गोंदिया जिले के तिरोड़ा तालुका के सरांडी गांव में खेमराज सात धाने के घरेलू कुएं में मोटर पंप सुधारने के लिए चार लोग उतरे, लेकिन वापस एक भी ना लौटा। बरसात के दिनों की शुरुआत के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ जाती है। बिजली का झटका लगने से कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसी ही एक घटना गोंदिया जिले में भी हुई है, जहां तिरोड़ा तालुका के सारंडी गांव में बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। तिरोड़ा से 10 किलोमीटर दूर सारंडी गांव में खेमराज के घरेलू कुएं में मोटर पंप ठीक करने के लिए खेमराज कुएं में उतरा, लेकिन काफी देर बाद भी ये सामने नहीं आया तो सचिन भोंगड़े नीचे उतर गया। उसने बचाने के लिए आकाश भोंगाड़े और महेंद्र राउत भी नीचे आए तो करंट लगने से इन सभी की मौत हो गई। खेमराज के कुएं में मोटर पंप था और वह बारिश के पानी से खराब हुए पंप को ठीक करने के लिए कुएं में उतरा था। इस बार करंट लगने से उसकी मौत हो गई। काफी देर तक वह बाहर नहीं आया तो सचिन भोंगाड़े नीचे आए, वे भी करंट की चपेट में आ गए। इसके बाद दो और लोग कुएं में उतरे, उनकी भी मौत हो चुकी है। इस घटना से सरांडी गांव में मातम पसर गया है। मृतकों में खेमराज सस्थानी उम्र 46 वर्ष, प्रकाश भोंगाड़े उम्र 47 वर्ष, सचिन भोंगाड़े उम्र 25 वर्ष, महेंद्र राउत उम्र 31 वर्ष शामिल है। उनके शव 3 घंटे के बाद बरामद किए गए और उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए तिरोड़ा उपजिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल पसरा हुआ है। मला 8:30-9 दरम्यान आमचे डायरेक्टर बाला वहिले यांचा कॉल आला की अशी अशी घटना सरांडी या गावामध्ये घडली। लगेच मी सरांडी घटनास्थळी पोहोचलो व तिथे गेल्यावर अत्यंत दुःखद घटना घडलेली आहे सरांडी गावामध्ये। तिथे गेल्यानंतर मी आमदार विजयभाऊ रांगल यांना फोनद्वारे कळवलं व त्यांनी सर्व यंत्रणाला एसडीओ तहसीलदार बीडीओ थानेदार व आरोग्य विभाग यांना तुरंत फायर ब्रिगेड यांना भ्रमणध्वनीद्वारे त्यांनी तुरंत यंत्रणा तिथं पाठवून त्या मृत शरीराला विहिरीमधून काढण्याचे काम प्रगतीपथावर करण्यात आले व त्यांना सरांडी गावामधून पीएम साठी तिरोडा आरएच मध्ये आता आणलेला आहे व आता आणि सकाळी 9 वाजेच्या सुमारास खेमराज जी साठवणे आहेत त्यांची पांडुबी मोटर विहिरीमध्ये होती आणि ते पावसामुळे पांडुबी मोटर बिघाड आल्यामुळे ते वर काढण्याकरता गेले तेव्हा त्यांच्या विहिरीत पडले आणि त्यांना वाचवण्याकरता प्रकाश भोंगाडे सुद्धा विषारी वायू असल्यामुळे ते भी सुद्धा खालती गेले। त्याच्यानंतर त्यांच्या लक्षात काही आले नाही। त्यानंतर त्यांच्या पुतण्या सचिन भोंगाडे हे सुद्धा विहिरीत उतरले असतात, ते सुद्धा पडले। त्याच्यानंतर तो पडला म्हणून महेंद्र राऊत सुद्धा त्याला काढण्याकरता उतरला तर ते वर आले नाही, त्यांचा गुदमरून त्या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे। त्यानंतर आणखी पुन्हा पाचवा लक्ष्मण लिल्लारे हा सुद्धा त्यांना काढण्याकरता गेले असता त्याचा श्वास कोंडरल्यासारखा झाला विषारी वायूमुळे, ते वर आले तर तो वाचलेला आहे। आणि त्याच्यानंतर आणखी एक व्यक्तीला प्रयत्न केला पण मना केला त्यांना उतरण्याकरता, कारण त्या ठिकाणी कोंबडीचा एक पिल्ला सुद्धा त्या ठिकाणी टाकलेला होता, तो कोंबडीचा पिल्ला सुद्धा मरण पावलेला आहे। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर के साथ भूपेंद्र रंगारी की रिपोर्ट।